जय माता जी। दोस्तों आप देख रहे हैं धर्म स्वास्थ्य। दोस्तों सनातन धर्म में पुत्रदा एकादशी व्रत का विशेष महत्व होता है, खासकर उन लोगों के लिए जो वे निसंतान दंपत्ति है। जी हाँ दोस्तों, निसंतान दंपत्ति के लिए पुत्रदा एकादशी वरदान साबित होता है। लेकिन दोस्तों जाने अनजाने हम कुछ ऐसी गलतियां पुत्रदा एकादशी के दिन कर बैठते हैं जिससे हमें पुत्रदा एकादशी का परिणाम या फल प्राप्त नहीं होता है। तो दोस्तों जाने अनजाने कौन सी गलतियां हमें नहीं करने चाहिए और क्या काम करने चाहिए, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों एकादशी की तिथि को बेहद ही शुभ और सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। एकादशी तिथि के दिन दान का, स्नान का और तप का एक अलग ही महत्व माना जाता है। एकादशी के व्रत से दोस्तों मोक्ष का मार्ग होता है और खासकर पुत्रदा एकादशी के व्रत से हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। पुराणों में भी बताया गया है कि जो व्यक्ति नियम पूर्वक पुत्रदा एकादशी का व्रत रखता है और रात्रि जागरण करके भगवान विष्णु का ध्यान कीर्तन करता है, उसे पुण्य प्राप्त होता है और उसे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों आइए जानते हैं एकादशी के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों शास्त्रों में सभी 24 एकादशियों में चावल खाने को वर्जित बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि एकादशी के दिन चावल खाने से मनुष्य रेंगने वाले जीव की जोनी में जन्म लेता है और उसकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती। इसलिए दोस्तों आने वाले पुत्रदा एकादशी के दिन खासकर चावल का सेवन बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों पुत्रदा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की आराधना और उनके प्रति समर्पण के भाव को दिखाता है। इसलिए एकादशी के दिन खान पान और व्यवहार में संयम और सात्विकता का पालन करना चाहिए तथा संतान गोपाल मंत्र और भगवान विष्णु के मंत्र का जाप मन ही मन दिन भर करते रहना चाहिए। पुत्रदा एकादशी के दिन संयम के साथ पति पत्नी को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इसलिए दोस्तों इस दिन शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। पुत्रदा एकादशी के दिन संयम के साथ पति पत्नी को भी रहना चाहिए दोस्तों, ना आपस में झगड़ा झंझट करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी के दिन की तिथि जो है वो बहुत ही शुभ मानी जाती है। इस एकादशी का लाभ पाने के लिए किसी भी कठोर शब्द किसी को ना कहें दोस्तों और लड़ाई झगड़ा से जहां तक हो बच के रखें। पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान की आराधना का दिन होता है, इसलिए इस दिन सुबह जल्दी उठें और शाम के वक्त सोना भी नहीं चलाइए। इसके अलावा इस दिन न तो क्रोध करें और न ही झूठ बोले दोस्तों। पुत्रदा एकादशी के व्रत के दिन दान अवश्य करना चाहिए दोस्तों। पुत्रदा एकादशी व्रत पर अगर संभव हो तो गंगा स्नान करें, अन्यथा गंगा जल का छिड़काव करें दोस्तों। पुत्रदा एकादशी के दिन दोस्तों पुत्र प्राप्ति के लिए केसर, केला और हल्दी जैसे चीजों को गरीब व्यक्तियों को दान करें। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से इच्छा पूरी होती है और साथ ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए दोस्तों पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने पर धन मान सम्मान अच्छी सेहत साथ ही संतान सुख जो कि इस एकादशी का मुख्य एम रहता है, मुख्य प्रयोजन है, संतान सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए इस पुत्रदा एकादशी में भगवान विष्णु को मन ही मन याद कर पुत्र प्राप्ति के लिए अपनी मनवांछित इच्छा के लिए भगवान विष्णु का जाप करें दोस्तों। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से हमारे पूर्वजों को स्वर्ग की भी प्राप्ति होती है। तो दोस्तों आपने जाना पुत्रदा एकादशी व्रत के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई, तो चैनल को एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।